नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करूंगा टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में। इस शेयर से रिलेटेड मैंने आपके साथ कल मॉर्निंग में एक वीडियो शेयर करी थी, जहां मैंने आप सभी के साथ शेयर करा कि कल का दिन इस स्टॉक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली शाम के समय का। क्यों? क्योंकि शाम को एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट, उसके क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आने वाले हैं। आप कहोगे भाई आप उससे इसका क्या लेना देना, तो मैं आपको बता दूं कि टाटा ग्रुप ने लगभग एक महीने पहले एक अनाउंसमेंट करी, जहां पे उन्होंने कहा कि हमारी जो भी मेटल कंपनीज हैं, मेटल्स के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उन सबको मर्ज करके एक स्टॉक में बनाया जाएगा, वो होगा टाटा स्टील। और वैसे भी अगर आप देखें तो टाटा स्टील का अकेले का रेवेन्यू या प्रॉफिट, बाकी सारी कंपनीज का रेवेन्यू या प्रॉफिट टाटा स्टील के सामने आधा भी नहीं है, तो वो सारे के सारे टाटा स्टील में मर्ज हो जाएंगे। अब ये कब होंगे, आपको कैसे पता चलेगा, इसके बारे में आप हमारे साथ जुड़े रहें। लेकिन अनाउंसमेंट हो चुकी है, और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास टाटा मेटालिक्स का शेयर है, टीआरएफ का है, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट है, तो अगर आपके पास ये स्टॉक्स हैं तो आपके पास इनके बदले टाटा स्टील के शेयर्स डीमेट हो जाएंगे। रेशो सबका आ चुका है, रेशो क्या है वो मैंने आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर करी थी, उसमें बताया भी था। अगर आप लोग दोबारा जानना चाहते हैं तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा से देख के आपको बता दूंगा, अभी तो मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, अब मैं आप सभी के साथ बात करता हूं टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में कि क्यों आपको फोकस में रखना है। तो मैंने जैसा कि कहा सारी कंपनीज मर्ज हो चुकी हैं, टाटा स्टील में अनाउंसमेंट हो चुकी है, अब ये जितनी बढ़ेंगी उतना ही ये भी बढ़ेगा, मतलब कोरिलेट हो चुका है इनका, अब आपस में सेम चलने की इनकी आप उम्मीद रख सकते हैं। इस बीच में कल आपको टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट, जो कि इन्होंने अभी रिसेंटली एक्वायर करी है लगभग 12,000 करोड़ में, और इस पे केपेक्स भी चल रहा है इनका, तो इसी के नंबर्स आते हुए दिखे, और नंबर्स में आपको बता दूं कि अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन उसमें एक्सेप्शनल केस ज्यादा दिख रहा है। ओवरऑल दो दिन पहले टिन प्लेट के नंबर आए थे, वो भी अच्छे नहीं थे, जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर देखे वो भी अच्छे नहीं थे, यानी कि एक शब्द में अगर मैं बोलूं तो इस समय मेटल कंपनीज के नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, स्पेशली स्टील स्टॉक्स के तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमने टिन प्लेट देख लिया, उसके बाद हमने टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट देख लिया, और उसके बाद हमने जेएसडब्ल्यू स्टील भी देख लिया, और बहुत ही खराब नंबर आ रहे हैं। आप सभी को पता ही है कि यूरोप और यूएस में प्रॉब्लम चल रही है, और कहीं ना कहीं डिमांड की दिक्कत ऑलरेडी चली रही है, ऊपर से ये भी कहीं ना कहीं एक मार्केट को डर है कि अगर चाइना ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया स्टील का तो भाई इनकी और धज्जियां उड़ जाएंगी, तो ओवरऑल अभी इनके लिए सिचुएशन सही बिल्कुल भी नहीं है। टाटा स्टील अगर किसी के पास है तो उसे क्या करना चाहिए, कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो कौन से बेस्ट लेवल होंगे, इन्वेस्टमेंट पर्पस से देखना है तो क्या टारगेट रखने चाहिए, और अगर आप ट्रेडिंग व्यू रखते हैं तो आपके लिए कौन से बेस्ट लेवल होंगे, इसके बारे में बात करता हूं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूं ट्रेडिंग पोजीशंस। तो दोस्तों इस स्टॉक का भाव अभी चल रहा है लगभग 100 रुपए के करीब। ट्रेडिंग व्यू इस स्टॉक में अगर आपको रखना है तो मैं गिरावट में खरीदने की सलाह नहीं दूंगा, मैं आपसे कहूंगा कि आपके लिए कंडीशनल बाय है 105.50 के ऊपर, जब स्टॉक जाएगा तभी खरीदारी करनी है। मेरे से एक दो व्यूअर ऐसे हैं जो कह रहे हैं भाई आप तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो टाटा स्टील को लेकर, तो भाई जब होना चाहिए तो नेगेटिव होंगे। आपको अगर याद हो, अगर आप मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हो तो मैं आपको बता दूं प्री स्प्लिट इस स्टॉक का भाव 880 था, हर बंदा इसे सेल के लिए कह रहा था, यहाँ तक कि ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट 780 के टारगेट दे रहे थे, आपको बाय कराया था और 960 to 1030 के टारगेट्स दिए थे। स्टॉक में आपने 96 भी आता हुआ देखा, 108 भी आता हुआ देखा, यानी कि 1080 भी आया और 960 भी आया, तब वन साइडेड आपके लिए मैं बाय साइड पे रहा कि स्प्लिट है, स्प्लिट से पहले लेना है, टारगेट ही आएंगे, चार्ट्स पॉजिटिव है, अब नहीं है तो नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है स्टॉक्स के लिए, बीच बीच में जो भी उछाल आता है मुझे लगता है निकलने के मौके हैं, सिंपल सी ट्रेडिंग पोजीशन हो गई। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट आइडियाज पे। दोस्तों अभी शॉर्ट टर्म में जो चीजें चल रही हैं वो इस स्टॉक को नीचे ड्रैग करेंगी, डेफिनेटली करेंगी, बाजार की तेजी में उछाल मारेगा, नो डाउट मारेगा, मंडे को क्या पता मार दे 2-4% का जो एक घंटे की ट्रेडिंग है, या फिर ट्यूसडे को, लेकिन ओवरऑल सेटअप अच्छा नहीं दिखता है, ओवरऑल कंडीशन अच्छी नहीं दिखती है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक आपको पहला इसमें स्टैगर्ड वे में खरीदारी करनी है, और पहला इन्वेस्टमेंट अपना करना है आपको 95 पे। अभी रिसेंटली आया भी था, काफी लोगों ने कहा भाई आपने बहुत पहले कहा था 95 पे आ गया, डेफिनेटली अब क्या करना है, तो कहा पहला इंस्टॉलमेंट डालो, मेरे कहने से बहुत लोगों ने डाला भी है, अभी प्रॉफिट में बैठे हैं, बट इतना खुश होने वाली बात नहीं है।
जब आपका दूसरा इंस्टॉलमेंट 90 रुपए पे चला जाए, यानी 90 रुपए पे भी जा सकता है स्टॉक, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, अगर वहां जाए और वहां आपने अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट डालना है, फिर आप डेफिनेटली बड़ा पैसा बनाओगे। अगर आप अभी खरीद लोगे गिर गया तो एक तो आप लॉस देखोगे, ऊपर से टाइम ज्यादा लगेगा, तो मेरे हिसाब से वेट करना सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा इस स्टॉक में। फ्रेश एंट्री किराए पहला 95, दूसरा 90 रुपए पे है, और तीसरा अगर उसके बाद गिरता है तो देखेंगे, अदरवाइज ज्यादा कोई डाउनसाइड है नहीं फिर वहां से, लेकिन अपसाइड 110, 115, 120 ये आपके टारगेट्स होने चाहिए अगले कुछ महीनों के लिए। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म में मुझे स्टॉक अभी पसंद नहीं आ रहा, लॉन्ग टर्म के लिए इन लेवल्स पे आपको खरीदारी करनी है प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ। होप आप लोगों को वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।